वो संगठन के लोग हैं, वो संगठन चलाएं, सरकार अपने चलानी है। सरकार का काम संगठन के बिना सरकारें नहीं बना करती, पागल को सोचना चाहिए। हम चुने प्रतिनिधि को अपना संगठन संभालना चाहिए, सरकार को हम लोग जिम्मेवारी। संगठन से ही सरकार बनती है, संगठन से ही सरकार चलती है, कभी सरकारों से संगठन नहीं खड़े हुआ। संगठन के बिना सरकारें नहीं बना करती, पागल को सोचना चाहिए। संगठन से ही सरकार बनती है, संगठन से ही सरकार चलती है, कभी सरकारों से संगठन नहीं खड़े हुआ। संगठन से ही सरकार बनती है, संगठन से ही सरकार चलती है, कभी सरकारों से संगठन नहीं खड़े हुआ करते। हाँ जी, मीटिंग आज ये सभी जिला मुख्यालयों पे पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग, पार्टी के संगठन को प्रभावी और मजबूत बनाने के लिए, उसे बूथ स्तर तक पहुंचाने के लिए ली गई है। इसके साथ साथ आज इस दिग्विजय सिंह चौटाला की शादी का निमंत्रण देने के लिए बुलाई गई। देश में मीटिंगों का दौर चल रहा है, तो किस प्रकार से संगठन को मजबूती दी जा रही है? बताया ना कि संगठन को प्रभावी बनाने के लिए मूल मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया है कि हर बूथ पे एक बूथ योद्धा, एक बूथ सखी, एक बूथ एजेंट की मजबूत टीम खड़ी करने का काम करे। टेंडरिंग को लेकर लगातार जो सवाल उठे और आपने भी कहा, उसके बाद देवेंद्र बबली जी का भी जवाब आया, तो सर क्या लगता है कि ये वापसी होना चाहिए या क्या इसमें सरकार का मन है? जब बातचीत चल रही है, पहले दौर की बात में कोई नतीजा नहीं निकला, दूसरे दौर की बातचीत भी होगी, मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे। निश्चित तौर पे आज भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे विधायक इस बातचीत को चाहते हैं कि इस पर पुनर्विचार हो।